हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो लीजिए, इंतजार हो जाता है खत्म और हम लोग आ जाते हैं सेकेंड ईयर पे। ठीक है, इस बार बिना देरी के शुरुआत से लेकर चलेंगे और लास्ट ईयर जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, इस बार ज्यादा करके चलेंगे। ठीक है ना, कोई कसर नहीं रहेगी, सारे सब्जेक्ट कवर करूंगा। ठीक है ना, कोई सब्जेक्ट नहीं छूटेगा और टाइम से पहले खत्म करूंगा। क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, सब कुछ होगा, एवरीथिंग। तुम लोगों के इस बार फार्मेसी टिप पे हो जाएगी और तुम लोगों को पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो थंबनेल देख ही लिया तुम लोगों ने, न्यू सिलेबस फॉर डी फार्म सेकेंड ईयर एंड एग्जाम पैटर्न। न्यू सिलेबस, जो नया सिलेबस हो गया, जो पिछली बार था, है ना, जो बच्चे 22-23 के लिए, यानी कि जो 22 है जो अभी, उसमें जो बच्चा सेकेंड ईयर दे रहा है, उसका एग्जाम पैटर्न भी दूसरा है और सिलेबस भी दूसरा है। अब जो 23 में जाकर के बच्चा पेपर देगा, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए होंगे, है ना, 2022 में, तो चीजें पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम है, तब भी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और सिलेबस सेकेंड ईयर का क्या है, आओ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग पूछते हैं, सर ये कहाँ का सिलेबस है, कई सारे सवाल आते हैं मेरे पास। तो बच्चों, ये सिलेबस है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो हर स्टेट को ऑलमोस्ट ये सिलेबस फॉलो करना है। कुछ अपनी अलग से जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ रहे हैं, उनके उनमें भी इसको भी फॉलो करना है। ठीक है ना, सिलेबस कुछ अलग सा नहीं है। ठीक है, टेस्ट थोड़े से कई बार अलग अलग स्टेट्स में आगे पीछे हो सकते हैं, वो एक अलग बात रह गई। ठीक है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, ठीक है, एक्ट है। देखो यहाँ इस सिलेबस में हम लोग एक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एक देखो डेट, ईयर याद रख लो क्या है, 1948 तब इसका गठन हुआ था। ठीक है, अब जो लेटेस्ट नया इसमें चीजें चेंज होकर आई हैं 23 सितंबर 2021 में, है ना, तभी तो 22 में तुम लोगों को क्या है, नया सिलेबस देखने को मिला। तुम लोगों को 22 में तुम लोगों को नया सिलेबस और नया पैटर्न देखने को मिला है। और मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने मेरा एग्जाम एनालिसिस वाला वीडियो देख लिया है, तो सिलेबस तो भले ही कैसा भी हो, बट अब उसको पास करना आसान है, है ना। तो ठीक है, ये बातें मैंने सिलेबस बता दी ताकि बच्चों को डाउट ना रहे कि ये सिलेबस कहाँ का है, किसका है, कैसा है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का है, जो वैलिड है, ठीक है ना, इंडिया का। ओके, फिर ये सारी बातें आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। सिलेबस फ्रेम्ड अंडर रेगुलेशन 7, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट्स एंड अपरेटस अंडर अपेंडिक्स ए ऑफ द एजुकेशन रेगुलेशन 2020। उस समय किया गया था, 2021 में इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया है फॉर डिप्लोमा कोर्सेस इन फार्मेसी। क्लियर है? अब बाद बाकी चीजें पढ़ो चाहे ना पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता हमको, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सीधा कूद के आते हैं, इसने क्या गाइडलाइन बनाई है हमारी थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो बच्चे मेरा ये लेक्चर पहले देख चुके हैं, वो स्टार्टिंग का जो एग्जाम पैटर्न वाला पार्ट है वो स्किप कर सकते हैं, सीधा कहाँ आ जाएं, सिलेबस पे आ जाएं। ठीक है ना, अदरवाइज देख लें एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। सेशनल एग्जाम, जैसे मैंने बताया था, सेशनल एग्जाम जो होंगे डिपेंड करता है, कई बार क्या कहते हैं, हर एक कॉलेज अपने हिसाब से भी करा लेता है। ठीक है, अदरवाइज जो इनके हिसाब से होना चाहिए सेशनल एग्जाम, इंटरनल असेसमेंट जो रहता है, उसमें क्या आना चाहिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने चाहिए 4, जिसमें 3 करने होंगे, 3, 5 या 15। ठीक है, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने चाहिए 5 और 6, जिसमें से 5 करने होंगे, 5, 3 या 15, 5, 5, 10, और 10 होने चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। ठीक है, वन वर्ड हो सकता है और वन सेंटेंस क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटू 10, तो लगभग 40। अगर ये प्रॉपर इस तरीके से देते हैं 5, 3 और 1, तो यही 5, 3 और 1 इसी पैटर्न में हमारे फाइनल में भी आता है, तो करने में आसानी हो जाती है, 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना, इसको 20 में कन्वर्ट करके फिर क्या होता है, तुम्हारा इंटरनल भेजा जाता है, तुम्हारा इंटरनल 20 नंबर का है। ठीक है ना, क्योंकि 80 नंबर का फाइनल है, तो इस 40 मान लो तुम्हारे आए 30, तो तुम्हारे 15 जाएंगे। ठीक है ना, तो आधे आधे करके फिर भेज जाते हैं। क्लियर है? द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट आउट ऑफ द टोटल 40 शैल बी रिड्यूस टू 20, उसको 20 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, कई बार कुछ कॉलेज में डायरेक्ट 20 का ही ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, पैटर्न ये हमें मतलब है कि हमारा कॉलेज में अगर एग्जाम होता है तो हमें उसे सही से करना है। और ठीक है, देन शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बेस्ट 2 एवरेज फॉर 20 मार्क्स, यानी कि तुम्हारे कॉलेज में बेस्ट 2 कम से कम 3 या 4 सेशन होंगे ही होंगे, उनमें से 3 मिनिमम मान के चलो होंगे, जिसमें से बेस्ट 2 जाएंगे। कुछ कॉलेजेस हैं तो कई बार उसमें 4 भी करा देते हैं, अदरवाइज 3 मिनिमम होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें से 2 बेस्ट भेजे जाएंगे। ठीक है ना, जिन 2 में तुम्हारे सबसे अच्छे नंबर आए होंगे। फिर बता दो, मान लो 3 एग्जाम हुए 1, 2 और 3,
एक में तुम्हारे आते हैं 15, एक में आए 12, एक में आए 17, तो तुम्हारे 17 और 15 मिला करके इनका एवरेज भेजा जाएगा, ठीक है ना। एवरेज 15 17 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके उसका एवरेज भेजा जाएगा। फाइनल की बात करें तो अभी अभी फाइनल से निकले ही हो तुम लोग, पैटर्न पता ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 7 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 6 करने होते हैं, 5-5 नंबर के होते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 10 करने होते हैं, ये सब 3-3 नंबर के होते हैं, ठीक है। और बाद बाकी क्या है, 20 हमारे कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितना हो गया, 80 मार्क्स, ये तो पता ही है, अब पता चल गया है, इसमें कुछ बताने लायक बात है नहीं खास, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, देखें जरा सेशनल गाइडलाइन फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जो सेशनल एग्जामिनेशन होंगे यानी कि तुम्हारे स्कूल में अंदर होंगे, इंटरनल होंगे जो तुम्हारे, ठीक है, उनमें क्या रहेगा, साइनॉप्सिस होगी 10 नंबर की, एक्सपेरिमेंट जो तुम परफॉर्म करोगे लैब में वो 50 नंबर का रहता है, ठीक है। अब 50 नंबर को भी स्टार दिया हुआ है, स्टार क्यों दिया हुआ है, द मार्क्स फॉर द एक्सपेरिमेंट शैल बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज विच मेजर एक्सपेरिमेंट, माइनर एक्सपेरिमेंट, स्पॉटर्स एटसेट्रा। मतलब एक्सपेरिमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, किया ही होगा, मेजर बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, छोटा एक्सपेरिमेंट हो, स्पॉटर स्पॉट देखने वाले हो सकते हैं, तो ये सब काउंट किए जाएंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर। देन तुम्हारा वीवा वॉस होगा 10 मार्क्स का, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो तुम बनाओगे उसके 10 नंबर मिलेंगे। टोटल कितना हो गया, ये 80 मार्क्स हो गया। ये हो गया तुम्हारा इंटरनल, इंटरनल 20 और 80, ठीक है ना। आगे आते हैं इंटरनल असेसमेंट की बात करें, ठीक है। अब यहां पर क्या था, मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट आउट ऑफ टोटल ऑफ 80 शैल बी रिड्यूस टू 10 इन ईच सेशनल, है ना। उसको 80 को कितने रिड्यूस कर देंगे, 10 में। एंड देन इंटरनल असेसमेंट शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बेस्ट टू, दो बेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास, ओवरऑल बातें, एक्चुअल परफॉर्मेंस इन सेशनल एग्जामिनेशन 10 मार्क्स मिलेंगे उसके, असाइनमेंट मार्क्स जो असाइनमेंट वगैरह दिए जाते हैं एवरेज ऑफ 3, तीन का जो एवरेज रहेगा, 3 असाइनमेंट मिलते हैं, 5 का रहेगा, और फील्ड विजिट रहेगी वो 5 की रहेगी, 5 मार्क्स ही। अब कह रहा है ओनली ऑफ फॉर द कोर्स गिवन विद बोथ असाइनमेंट एंड फील्ड विजिट, अगर उसमें कोर्स में असाइनमेंट और फील्ड विजिट है तो ठीक है, उसमें हमको ये करना है, अदरवाइज नहीं रहेगा ये। तो ये सब बेसिक बातें फर्स्ट ईयर में जो कर चुके हो वही सारी बातें तुम्हारी कहाँ रिपीट होने वाली हैं, सेकंड ईयर में रिपीट होने वाली है। आगे आते हैं फटाफट, तो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन, जो बोर्ड एग्जाम का तुम्हारा प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें क्या आएगा, सिनॉप्सिस होगी 10 नंबर की, एक्सपेरिमेंट होगा 60 नंबर का, वीवा वॉस होगा, ये पकड़ लो अच्छे से, ये फाइनल वाली बातें हैं, सिनॉप्सिस 10 नंबर की, एक्सपेरिमेंट 60 नंबर का, वीवा वॉस 10 नंबर का। तो यहाँ देख रहे हो, अगर गौर से देखो तो यहाँ पे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है ही नहीं, बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मत बनाओ, लेकिन इंटरनल के लिए बनानी पड़ेगी, ठीक है, बनानी है, ऐसा मत करना सर ने कहा तो मत बनाओ, बनाना है, बट फाइनल में जो तुम्हारा टीचर है वो ये तीन चीज देख करके, जो बाहर से एग्जामिनर आएगा वो ये तीन चीज देख करके तुमको क्या करेगा, नंबर देगा। क्लियर है, तो ये बातें खत्म है। टोटल सब्जेक्ट 6 हैं सेकेंड ईयर में, अभी 5 थे इस बार 6 हैं, एक बढ़ गया है, चलो कोई बात नहीं। तो फार्माकोलॉजी है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, फार्माकोथेरापेटिक्स है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है, ठीक है। जब बारी बारी से पढ़ेंगे तब तक पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा व्यू लेते हैं कि हमको हर किसी में पढ़ना क्या, आखिरकार फार्मेसी में सेकेंड ईयर में डाला क्या गया है। तो देखो इसका कोड ये है हमारे पास, ठीक है, लगभग 75 आवर्स में से ख़त्म करने का ऑर्डर है कि क्लास में, मतलब पूरे साल में 75 घंटे की क्लास चलेगी आपकी इसकी। खैर वो सब हमारे मतलब की नहीं है, हमको समझना है कि ये फार्माकोलॉजी से हमको सीखेंगे क्या, क्या सिखाएगा। दिस कोर्स प्रोवाइड बेसिक नॉलेज अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग, जो अलग अलग क्लास की ड्रग्स होंगी ना उनके बारे में समझ में आएगा, यानी कि मान के चलो अगेन क्लासिफिकेशन आने वाला है यहाँ पर। अवेलेबल फॉर द फार्माकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी का मतलब होता है किसी ड्रग्स के द्वारा कोई ट्रीटमेंट किया जाना, दैट इज कॉल्ड फार्माकोथेरेपी ऑफ कॉमन डिजीज, डिजीज का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो उनकी क्लासेस किन ड्रग्स की, जो अवेलेबल है डिजीज को ठीक करने के लिए, द इंडिकेशंस फॉर यूज, ठीक है ना, उनका यूज करने का क्या तरीका है, डोजेस रेजिमेन, ठीक है ना, डोज कैसे कैसे दी जाएगी, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कैसे दवा का लेना है, खाना है, इंजेक्शन लगेगा, सूंघना है, क्या करना है, फार्माकोकाइनेटिक, वो दवा को हमारी बॉडी बाहर कैसे निकालेगी, यानी कि हमारी बॉडी उस दवा का करती क्या है, फार्माकोडायनेमिक, वो दवा हमारी बॉडी पर क्या करेगी, ये हमारी बॉडी दवा का क्या करती है, सबको पता है दवा लास्ट में फाइनली यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है, और डायनेमिक्स वो दवा हमारी बॉडी के ऊपर क्या करेगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द ड्रग, कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है,
ठीक है, ये सारे चीजें हमको क्या रहेगा इस कोर्स से हमको समझने को मिलेंगी। बात समझ में आ गई। ये इसके कुछ चैप्टर्स हैं, यानी कि चैप्टर की बात करें अगर हम लोग तो ये एक और दो तीन, अभी ड्रग एक्टिव ऑन आई ड्रग्स, ये ठीक है पढ़ लेना। ये टोटल चैप्टर काउंट कर लेते हैं हम लोग, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग मेरे ख्याल 11-12 चैप्टर होंगे, 11, 12, 13, ठीक है ना। तो 13 चैप्टर्स हैं, अब इनमें अंदर पढ़ने कोई फायदा नहीं है, वो पढ़ लोगे पढ़े लिखे हो तुम लोग, ठीक है ना। तो 13 चैप्टर है, ठीक है, और कोशिश ये रहेगी कि हर महीने हमारे दो दो चैप्टर खत्म हो सबके, यानी कि हम लोग अगले 5 से 6 महीने में कोर्स को पूरा पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो फटाफट देखते हैं आगे, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी है ना, कम्युनिटी समाज जो है हमारा, वो उसकी फार्मेसी और मैनेजमेंट। यहां से हमें क्या सीखने को मिलेगा, स्कोप क्या है। द कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल। बेसिक नॉलेज और स्किल, सक्षम स्किल्स क्या होते हैं, किस कार्य करने की क्षमता जो होती है। टू प्रोवाइड वेरियस फार्मास्यूटिकल केयर सर्विस, यहां पर हमको फार्मास्यूटिकल केयर सर्विस टू पेशेंट, पेशेंट्स को कौन सी फार्मास्यूटिकल केयर सर्विस दी जाएंगी, एंड जनरल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है ना, पेशेंट को और जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं डॉक्टर्स वगैरह होते हैं इन द कम्युनिटी सेटअप। जो कम्युनिटी में सेटअप है, ऑब्वियसली बात है, पेशेंट के लिए क्या होता है, फार्मासिस्ट डॉक्टर, पेशेंट आता है ठीक है, वो क्या करेगा, फार्मासिस्ट को देखता है, बताता है ये मत करो वो मत करो, ठीक है ना, वगैरह जितनी भी चीजें वो जिस तरीके से हेल्प कर सकता है किसी पेशेंट की, तो वो सब किस में आती है, फार्मास्यूटिकल केयर में आ जाएगा। वो सारी बातें हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कितने हैं हमारे पास, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 9, 10, यहाँ 10 चैप्टर ही हैं। अगर दो दो चैप्टर ही पर मंथ करते हैं तो 5 महीने में ये हमारा खत्म हो जाएगा, क्लियर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये बड़ा मजेदार चीज है, कोर्स डिजाइन टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑफ द स्टडी ऑफ, यहां पे हमें किसकी नॉलेज मिलने वाली है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लिक एसिड है ना, प्रोटीन है, उनके कैसे स्ट्रक्चर हैं और क्या फंक्शन होते हैं उनके, एंड द केमिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद, उनकी जो केमिकल प्रोसेस है विद लिविंग सेल्स इन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्टेट, वो केमिकली क्या काम करते हैं हमारे अंदर, अगर सेल अच्छा है और सेल खराब है, खराब इन द सेंस मान लो बीमार है तब क्या काम कर रहे हैं, अच्छे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें होने वाली है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो यहाँ देख लें हम लोग टोटल कितने चैप्टर हैं हमारे पास, ओके 12, 13, टोटल यहाँ चैप्टर कितने, 13। तो ऑलमोस्ट 13-13 चैप्टर, 13, 10, 11, 12 ऐसे चैप्टर हैं। फार्माकोथेरापियोटिक्स क्या कह रहा है, दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑफ एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ कॉमन डिजीज। एटियोपैथोजेनेसिस होता है बच्चों कॉज एंड डेवलपमेंट, क्या कारण है और कैसे डेवलप करता है, कौन, एक कॉमन डिजीज के क्या कारण होते हैं और कैसे डेवलप करती है, वो कैसे फैल जाती है, क्या वगैरह वगैरह, वो सारी बातें फार्माकोथेरेपेटिक में पढ़ेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे, एंड देयर मैनेजमेंट अलोंग विद क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन, उनका मैनेजमेंट कैसे, उनकी रोकथाम की जाए, कैसे रोक दिया जाए उनको, ठीक है ना, और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होंगी, वो सारी बातें यहाँ पे होने वाली हैं। तो समझ सकते हो ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट और कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी वाला सब्जेक्ट दोनों आपस में मर्ज होके चलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वही सारी बातें वहां रहेंगी। तो ये सारी बातें, अच्छा यहाँ पे चैप्टर देखा जाए, इसमें चैप्टर दो ही हैं, 1 और 2, दूसरे चैप्टर में क्या रहेगा, डिजीज दे दिए सारी, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे डिजीज के कॉज और डेवलपमेंट के बारे में पता करना है। तो जितनी भी डिजीज आती हैं, कार्डियोवास्कुलर है, रेस्पिरेटरी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज है, ठीक है, उनको ABCDEFGH करके तोड़ दिया, चाहे इनको चैप्टर के तब में तोड़ लो, बात एक ही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके नाउ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये यहां से हमें क्या सीखने को मिलेगा, यहां से हमें सीखने को मिलेगा फंडामेंटल नॉलेज, बेसिक नॉलेज और एंड प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनली अगर आप हॉस्पिटल में, तो प्रोफेशनली आपको ड्रिप लगाने आना चाहिए, आपको डॉक्टर का पर्चा पढ़ने में आना चाहिए, कौन सी दवा लिखी है डॉक्टर ने, कब कब देनी, ये सब समझ में आना चाहिए ना हॉस्पिटल में। तो हमको यहाँ पे बेसिक नॉलेज किसके बारे में, फैसिलिटिंग वेरियस हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट का जो रोल रहेंगे, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पढ़नी है, ठीक है। तो बहुत सारे रोल होते हैं, तो देख सकते हो कैसे हैं बहुत सारे रोल, चैप्टर ही देख लो कितने हैं, तो 9 और ये
लो 13 चैप्टर हैं, तो समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा हमको वर्क करने होते हैं। केवल अभी बड़े आराम से बोल दिया मैंने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब इसको हम पढ़ेंगे अंदर। तो जैसे मान लो ड्रग एंड पॉइजन वाला केस आ गया है, तो डॉक्टर ने, तो हमको इनिशियली स्टेप्स लेने आने चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर, मज़ा आने वाला है, ठीक है। देन फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, कायदे कानून, क्या कायदे कानून है, और एथिक्स, एथिक्स होता है ईमानदारी एक तरह से, ये नहीं कि आप बैठ गए हो दवाई की दुकान में बेच रहे हो ड्रग्स, नशीली दवाइयां बेच रहे हो किसी को, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो लॉ एंड एथिक्स, तो यहां पे क्या हमको मिलने वाला है, सेवरल इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस, कानून, वो कानून जो रिलेटेड है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी ऑफ इन इंडिया, इंडिया की फार्मेसी से जो कानून बने हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अगर कुछ लोग अगर मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं तो हम लोग को पता होगा उसमें कुछ खास तरह की दवाइयाँ होती हैं, एक्सपायरी चेक करनी होती है, मेंटेन करना होता है, ये ड्रग कहाँ से आई है क्या वगैरह वगैरह, तो वो बहुत सारी, ये तो बेसिक बात बताई मैंने। इसके अंदर काफ़ी सारे कानून हैं, लॉज हैं, काफ़ी सारे लॉज आएंगे, एक्ट आएंगे काफ़ी सारे जो हमको यहाँ पर क्या है पढ़ने हैं, तो काफ़ी सारे एक्ट हैं। ये पूरा पूरा रटने वाला पार्ट है, पूरा पूरा रटने वाला है, शुरुआत से ही बिल्कुल एकदम रटना चालू कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो इसमें है चैप्टर हमारे 21, सबसे ज़्यादा चैप्टर इसमें है, ठीक है, क्योंकि एक्ट पढ़ने हैं हमको सारे, क्या पढ़ने हैं, जितने भी एक्ट आए हैं, जितने भी लॉ आए हैं, वो सारे हमको एक्ट पढ़ने हैं। तो ये था हमारे पास सिलेबस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है अब जोश आ गया होगा, ठीक है ना, और फर्स्ट ईयर जैसा भी रहा, जो भी हुआ, जो छोटी मोटी गलतियां रही, अब सेकेंड ईयर में फोड़ देंगे एकदम, फार्मेसी को हिला देंगे एकदम, ठीक है ना। तो होना मेरे साथ शुरू से लेके आखिरी तक, ओके, ऑल द बेस्ट।